विवाह से बॉलीवुड में सबको अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस अमृता राव को हाल ही में कई सालों बाद फिल्म ठाकरे में देखा गया और दर्शकों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया। लेकिन हाल ही में अमृता राव ने इस बात का खुलासा किया है कि अचानक वो बॉलीवुड से क्यों गायब हो गई थी। उन्होंने खुद इस बात की सारी पोल पट्टी खोली है, तो फिर आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया, सबसे पहला सवाल जो हम शोर सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अचानक गायब क्यों हो गई आप? Well, मेरे पर्सनल लाइफ पे फोकस हो रहा था। वो भी जरूरी है। भी जरूरी है। सही टाइम पे सही चीजें करना बहुत जरूरी है। जी। तो लेकिन ये जो कमबैक किया आपने, ठाकरे ही क्यों? Why? Well, firstly, मैंने इस फिल्म को नहीं चुना, इस फिल्म ने मुझे चुना है जी। मीरा ताई ठाकरे जी ने मुझे चुना है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ठाकरे ये फिल्म बन रही है। किस्मत। ओके, पहले तो बधाई बनती है ठाकरे के लिए, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट ऐसे अंदर से ये फीलिंग आ रही है, जब ऐसा पता चला कि नवाज के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ी ऐसे थोड़ा तो अंदर से हिला होगा ना मन। यार नवाज के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना है, जिनके लिए शाहरुख सलमान जैसे बड़े स्टार्स कहते हैं कि हम भी थोड़े से नर्वस हुए थे, तो आप नर्वस नहीं? मैं नारीवस थी। ओके, इन्होंने मुझे आते ही कहा कि इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो मेरे सवाल जो है वो मैं आपसे स्टूडियो में पूछ लूंगी, बाकी आप लोग अब इनसे सवाल पूछ सकते हैं। केक कट, हाँ हाँ केक खाएंगे हम, टेंशन मत लो, केक आया है तो कटेगा, ठीक है। सो ये ठाकरे की सक्सेस के लिए थोड़ा सा मुंह मीठा किया जाए जी, आइए। एंड आई एम सो सॉरी ऑल ऑफ यू, वायरल कोई बात नहीं, खूबसूरत लड़की है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से सुगंध की रिपोर्ट।